Now, after learning about the fixed wavelength on this string, इस string पर जो wave generate हो रही है उसकी wavelength बिल्कुल fix है. अब हम एक बात और जानते हैं, इस string में जो wave velocity है वह भी बिल्कुल fix है. That wave velocity is given by under root of f by mu. This is the wave velocity on this string. वह wave velocity तो fix है क्योंकि जो tension है string में वह बिल्कुल fix. And mu is the mass per unit length. इस string का mass per unit length fixed है. And this wave velocity is given by wavelength into the frequency. Wavelength into frequency. यह string में wave velocity बिल्कुल fix है. It's given by this expression. It's given by wavelength into frequency. Wavelength की कुछ fix values है. Wavelength की कुछ fix values है. इस हिसाब से हम कहेंगे frequency की कुछ fix values हो सकती हैं. Frequency is velocity upon wavelength. और 1 by lambda into f by mu. और इस wavelength की जगह पर मैं यह लिख देता हूं. So, frequency would be n by 2l, n by 2l into under root of f by mu. This is the frequency of the vibration or the waves on this string. Standing wave की जो frequency होगी वह बिल्कुल fix होगी. If n is equal to 1, यदि n की value 1 हो गई, देखिए wavelength तो यह दिख रहा है हमें, wavelength की यह fix value है 2l by n. फ्रीक्वेंसी की यह फिक्स वैल्यू है n अपॉन 2l. और इधर जो n की वैल्यूज है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, दिस आर द वैल्यूज ऑफ n. यह सारी बात देखने के बाद अब मैं पहले ग्राफिकल अप्रोच बताता हूं. ग्राफिकल अप्रोच के बाद इन स्टैंडिंग वेव के बारे में कुछ खास बातें, कुछ पॉइंट्स बताता हूं और फिर दोबारा इसी कंसेप्ट को आगे कंटिन्यू करवाऊंगा. उन टर्म्स को यूज करने से पहले मैं ग्राफिकल अप्रोच पहले बताता हूं, उससे कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस कर देता हूं. टर्म्स लाइक नोड्स, एंटी नोड्स और उनसे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए प्लीज. चलिए अब हम इसे ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं. यह कोई स्ट्रिंग है, मैंने लंबी स्ट्रिंग का एक पार्ट लिया है और इसे मैं अलग अलग समय पर ऑब्जर्व करने की कोशिश करूंगा. मैं स्ट्रिंग के इस पार्ट को स्टडी कर रहा हूं एट जीरो टाइम, फिर मैं इसे स्टडी करूंगा एट t by 4 टाइम और फिर मैं एक सिचुएशन देखूंगा एट t by 2 टाइम और फिर एट 3t by 4 एंड फाइनली एट कैपिटल टाइम t. इस तरीके से मैं चार अलग अलग, पांच अलग अलग इंस्टेंस पर इस स्ट्रिंग को स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूं. अब इस पर एट टी इज इक्वल टू, एट टी इक्वल टू जीरो स्ट्रिंग के किसी हिस्से की, मैं इसे चार पार्ट में भी डिवाइड कर देता हूं. एक ये आधा आधा करा मैंने और यह 1/4 1/4 पार्ट मैंने दिखा दिए
एट टी इक्वल टू जीरो लेट अस से दिस इज इंसिडेंट वेव ऑन द स्ट्रिंग विच इज ट्रेवलिंग अलोंग दिस डायरेक्शन वी. दिस इज इंसिडेंट वेव y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस की एक्स. t इक्वल टू जीरो पर यह कुछ इस सिचुएशन में है. t इक्वल टू t बाय फोर पर यह t बाय फोर तक नीचे आएगा. कुछ ऐसी सिचुएशन यह पार्टिकल नीचे तक आया और यह मैक्स पर चला गया इस तरह से. यह टी बाय फोर पर सिचुएशन बनी. दिस सिचुएशन फॉर इंसिडेंट वेव एट टी बाय फोर. अब टी बाय टू पर यह ऊपर गया फिर नीचे आएगा और अब यह टी बाय टू पर यह सिचुएशन होगी. दिस सिचुएशन एट टी बाय टू. देखिए यह पार्टिकल जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर था टी बाय फोर टाइम तक वह टी बाय फोर टाइम तक वह मेन पोजीशन पर आ गया. टी बाय टू टाइम तक वह सबसे नीचे चला गया. अब वंस अगेन एट थ्री टी बाय फोर टाइम यह सिचुएशन ऐसी बन जाएगी. This is the situation at 3t by 4 time. Incident wave की यह situation होगी. यह incident wave v velocity से इस तरफ travel कर रही है. यह जो इधर arrow लगाया था मैं अब इधर लगा दूं. इसको यह जो डिस्टर्बेंस पल्स है यह अब मैं इधर लगा दूं और इसे फिर मैं इधर लगा दूं. इस तरह से इंसिडेंट वेव पल्स आगे बढ़ता जा रहा है. अब मैं रिफ्लेक्टेड वेव बनाता हूं. रिफ्लेक्टेड वेव रिफ्लेक्टेड वेव. इंसिडेंट वेव तो y1 है रिफ्लेक्टेड वेव y2. इसे मैं लिखता हूं a साइन ओमेगा t प्लस kx. प्लस साइन इसलिए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और t इक्वल टू जीरो पर लेट अस से दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव. t इक्वल टू जीरो पर दोनों इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव एक जैसे और t इक्वल टू t बाय फोर पर यह रिफ्लेक्टेड वेव की सिचुएशन ऐसी हो गई. यह रिफ्लेक्टेड वेव t इक्वल टू t बाय टू पर यह रिफ्लेक्टेड वेव. This is reflected wave at t equal to 3t by 4 and at
टी इक्वल टू टी बाय फोर, यह रिफ्लेक्टेड वेव की सिचुएशन बन गई। एंड एट टी इक्वल टू कैपिटल टी वंस अगेन, यह इसी तरह से और रिफ्लेक्टेड वेव भी इसी तरह से। अब जरा देखिए, यह रिफ्लेक्टेड वेव वी वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में, और यह इंसिडेंट वेव वी वेलोसिटी से आगे की तरफ, यह दोनों सुपर इंपोज होती है। जरा देखिए इन दोनों के सुपर इंपोजिशन से क्या होगा, यह दोनों वेव एड अप होंगी और एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा इस सिचुएशन पर। दिस इज द रिजल्टिंग वेव, द रिजल्टिंग वेव y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, एंड दिस y1 प्लस y2 इज 2a sin kx इंटू cos ओमेगा t। इस जगह पर यह दोनों वेव जब एड अप होंगी तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, फिर वापस यह दोनों जब वेव एड अप होंगी तो एम्पलीट्यूड दोनों का एड अप हो जाएगा, फिर वापस जब दोनों एक दूसरे को एड अप करेंगी तो दोबारा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और फिर वापस एम्पलीट्यूड एड अप हो जाएगा। दिस इज द रिजल्टिंग वेव एंड दिस इज स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव। आप देखिए यह जो पार्टिकल है इट ऑलवेज रिमेन्स एट रेस्ट, यह पार्टिकल हमेशा रेस्ट पर रहता है, यह पार्टिकल हमेशा रेस्ट पर दिख रहा है। This is that particle which always remains at rest. This is that particle which always remains at rest. ये कोई movement कर ही नहीं रहा है। This is the particle which always remains at rest. ये हमेशा rest पर है। इस graphical situation को देखिए, incident wave, रिफ्लेक्टेड वेव और रिजल्टिंग वेव दोनों को एड अप करते हुए। अब मैं इस सिचुएशन से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी बताता हूं। सिचुएशन इस रोप पर समय के साथ हमेशा के लिए कुछ ऐसी दिखने लगेगी, यह सिचुएशन हमेशा व्हेन यू ऑब्जर्व इस तरह से, यह रोप लेट मी ड्रॉ नीटली, मैं बाउंड्रीज बाद में बनाऊंगा ज्यादा अच्छा रहेगा। इस तरीके से रस्सी के या स्ट्रिंग के अलग अलग पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे, एंड व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज दिस आर द पार्टिकल्स विच ऑलवेज रिमेन्स एट रेस्ट एंड वी कॉल देम नोड्स, नोड्स दे आर ऑलवेज एट रेस्ट, always at rest or mean position, always at
rest at a mean position. अब इसके अलावा आप देखिए, दिस आर द पार्टिकल्स विच अंडरगो सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. दे अंडरगो सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. दिस आर टर्म्ड एज एंटीनोड्स. दिस आर पार्टिकल्स एग्जीक्यूटिंग SHM अबाउट देयर मीन पोजिशन विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. पार्टिकल्स एग्जीक्यूटिंग SHM विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अबाउट मीन पोजिशन विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. अबाउट मीन पोजिशन दिस आर नोट्स notes, 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 and this are antinodes. Two nodes are always separated by lambda by 2 separation. Two nodes are always separated by lambda by 2 distance. ये consecutive nodes की बात कर रहे हैं. Consecutive nodes के बीच की दूरी हमेशा lambda by 2 होगी. इसी तरह से two anti nodes are also separated by two consecutive anti nodes are also always separated, always separated by lambda by 2. यह दो consecutive nodes का separation है और यह दो consecutive anti nodes का separation. While consecutive node and antinode are always separated by lambda by 4, consecutive node and antinode are separated by lambda by 4 distance. अब एक और बात, इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव एंड द रिजल्टिंग स्टैंडिंग वेव, दे ऑलवेज हैव सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेव नंबर एंड एंगुलर वेव वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. मैं इस बात को जरा लिखूंगा. इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव एंड रिजल्टिंग स्टैंडिंग वेव, रिजल्टिंग स्टैंडिंग वेव
हैव गॉट सेम, अब सेम क्या क्या है जरा देखिए, दे हैव गॉट सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेव नंबर के, टाइम पीरियड टी, फ्रीक्वेंसी एफ, वेवलेंथ लैम्डा एंड वेव वेलोसिटी वी। दे हैव गॉट सेम एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, एंगुलर वेव नंबर के, ध्यान रहे ओमेगा इज 2 पाई बाय टी, के इज 2 पाई बाय लैम्डा। दे हैव गॉट सेम टाइम पीरियड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ लैम्डा एंड सेम वेव वेलोसिटी, ये सारी चीजें सेम होती हैं। व्हाइल एम्पलीट्यूड्स आर डिफरेंट, वी जनरली से इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव हैव सेम एम्पलीट्यूड, व्हाइल रिजल्टिंग स्टैंडिंग वेव हैव गॉट डबल एम्पलीट्यूड। इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड सेम है नियरली, इन दोनों का एम्पलीट्यूड ए, इन दोनों का एम्पलीट्यूड ए, जबकि रिजल्टिंग स्टैंडिंग वेव इसका एम्पलीट्यूड डबल होएगा 2a। इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड सेम, व्हाइल रिजल्टिंग स्टैंडिंग वेव विल हैव डबल एम्पलीट्यूड 2a। अब इसके साथ कुछ और बातें लिखवाऊंगा, पहले यह सारी बात लिख लीजिए, मैं साफ करता हूं और आगे की बातें बताता हूं, प्लीज नोट इट डाउन।